आज का जो प्रोग्राम सावित्रीबाई फुले का जो ये मनाया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है, तो इससे क्या एक सबक मिलता है? इससे सर सबसे बड़ा सबक तो जो है एकता का मिलता है कि हमारे समाज के अंदर जितना भी दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो एकता का प्रतीक होता है। क्योंकि ये बैकवर्ड से आते हैं फूले जी, फूले फैमिली जो बैकवर्ड से आते हैं, और एससी और एसटी और बैकवर्ड माइनॉरिटी की बहुत ताकत बन जाती है। तो हम अपनी ताकत को पहचाने और एकत्र होकर के बाबा साहब और डॉक्टर महात्मा फूले के मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस माध्यम से। लेकिन बहुत से ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन आपने अपने बच्चों को एक बाबा साहब का और ज्योतिबा फूले की एक विचारधारा डाली। देखिए, पढ़ने से ही सारी समस्या हल नहीं होती, गुणवान होना जरूरी है। संत रविदास जी हुए, वो पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो समाज सुधारक थे। तो इसी तरीका से ये हमारी ज्योतिबाई फूले फैमिली ने, जो माता सावित्री बाई हैं, उन्होंने हमको पढ़ने की प्रेरणा दी। अच्छी बात है, बढ़िया है, हमारे स्कूल खुले, पाठशाला खुली, बहन बेटी शिक्षित हुई। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, सबसे बड़ा अधिकार वो है, महिलाओं का बंधन काटा, महिलाओं का जो पर्दा था, महिलाओं को जो बर्तन मांजने और बच्चे खिलाने का ही अधिकार था, उससे वंचित करके उनको हाथ में कलम दिया। सबसे बड़ा काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये किया।